तो आज दिन का लगभग बज रहा है अभी 11:30, और हल्द्वानी से आए हुए हैं छोटी सी बहनी और भैया, साथ में है बड़े भाई साहब और जी। भैया आपका नाम? योगेश कुमार। योगेश कुमार, अच्छा लगा आपसे मिलके। भैया आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो अच्छा लगा। ओके जी, तो अभी अभी मैं मार्केट गया हुआ था। हमारा दरअसल में नल का काम चल रहा है यहीं घर के आसपास में, थोड़ा बहुत पाइपलाइन ख़राब हो गई है ना, तो मैं सामान लेने के लिए बाज़ार गया हुआ था। ये क्या बोलते हैं, यूनियन लेने के लिए मैं बाज़ार गया हुआ था। तो इतने में भाई साहब मुझे मिल गए थे, मैं तो मतलब जानता नहीं हूँ, तो उन्होंने पहचान लिया था। तो हेलो हाय जो भी है वो सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद हम लोग घर आए। थोड़ा बहुत ठंडा था, ठंडा पिलाया, और अचानक से आ जाते ना तो मतलब समझ में नहीं आया कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो जो भी था वो आपने देख ही लिया है, वो भाई साहब आए थे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत भी नहीं की है, तो चलिए इसी बहाने ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हाय हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है। अगर कभी मौका मिलता है ना तो विजिट जरूर कीजिएगा। बाय द वे, जैसे अचानक से कोई आ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्या कहूँ, बोल के ना मैं जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब खुशी बहुत होती है कि कोई ऐसे मिलने के लिए आ जाते हैं सब्सक्राइबर या जान पहचान वाले, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ नल का काम करने के लिए, जहाँ हम कर रहे हैं। बाकी आज ब्लॉग व्लॉग कुछ बनाया था नहीं, तो पहले काम वाम कर लेते हैं। और जो जंगल वाला ब्लॉग था, जो हम जंगल गए थे ना पानी लगाने के लिए, वो हमारा काम क्लियर हो गया था। तो मैं सोच रहा था ना कि पहले काम कर लेते हैं, अब सोच रहा हूँ तो अगर काम कर रहे हैं तो ब्लॉग भी बना ही लेते हैं। तो निकल रहे हैं, दाजी बेचारा इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे है। ये तो चले गया, ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ। तो चलिए बहाने बर्तन पकड़ते हैं, चलो ये आओ। वहाँ पर बैठे हैं दादा और केसु बाबा, तो वो भी आएंगे। हिडो, जो आज के मेन मिस्त्री हैं वो हमारे भुवंदा हैं, और आज काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इतनी धूप में काम कहाँ होता है कह रहे। तो क्या करना है यार, पिटेन क्या रहे बिन में भाने बर्तन लाएंगे ना दाजी। यार आप चलो, धूप एकदम माथे में लग रही है, और नल खोलने वाला लगाने वाला सारा आइटम हमने पकड़ लिया है। दादा भी आ रहे हैं, वो भी सामान पकड़ के आ रहे हैं। केसु बाबा भी आ रहा है, सब्बल लेके आ रहा है, क्योंकि पाइपलाइन के लिए ना खोदना तो पड़ेगा ही, तो ये फॉल्ट ना ज़रूरी है ठीक करना, नहीं तो फिर अगर पानी नहीं आएगा घर घर तो भी लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये छोटा मोटा काम ना होते रहता है गाँव घरों में, कभी कुछ कभी कुछ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने प्राइमरी विद्यालय के ऊपर साइड में। कबन खड़ोई ता पा दीदी तक खड़े हुआ हो पा दीदी हो डूंगो खड़ा खान। तो फिलहाल हमारा काम होने वाला है यहाँ पे खोद के पाइपलाइन को जो है प्लग करने का। तो मैंने बताया था ना आप लोगों को काफ़ी पुराने ब्लॉग में कि हमारे गांव की जो पाइपलाइन है वो दो जगह से आती है, एक तो जंगल से आती है, एक आती है उस साइड से। तो जो वहाँ से आती है ना उसमें छोटे छोटे लाल लाल कीड़े टाइप का आते हैं, तो वो वाला जो पानी है वो हमने आज प्लग करना है, यानी कि उसे बंद करना है। फिर उसके बाद जो हम जंगल गए थे ना सिर्फ वही पानी हमारा चलेगा, क्योंकि वहाँ से ठंडा पानी भी आता है और साफ पानी भी आता है, और जो यहाँ का पानी आता है वो गंदा आता है, तो इसी वजह से उसको हम बंद कर रहे हैं। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद यहाँ पे हमें यूनियन मिल चुका है, तो यहाँ पर हम लोग पानी प्लग कर देंगे। बैक मार उठ गए लो। और यहाँ देखो गुड्डूदा लोगों के घर में हमें छोटा सा प्यारा सा डॉगी भी मिल गया है। पूछो 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 कुछ 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 कुछ। तो प्लग करने का नया आविष्कार ढूंढा है दाजू ने, एक ढक्कन लिया और उसमें प्लास्टिक ऐसे फोल्ड करके ऐसे लगा देंगे तो पानी प्लग हो जाएगा। ये बढ़िया काम हो गया है, बाद में अगर ज़रूरत होगी तो खोल लेंगे। और याद के तौर पर ये बड़ा सा पत्थर हमने रख दिया है उसके ऊपर। तो वहाँ का काम करने के बाद अब आ गए हम लोग यहाँ पे। काम क्यों नहीं कर रहा है डीजे? अबे ट्रेनिंग तैयार है। अच्छा ट्रेनिंग तैयार है, गुड़िया। कितना प्यारा मौसम हो रहा है ना। और जहाँ पे हमारा काम चल रहा है ना यहाँ पे बढ़िया सी छाया हुई है, तो बढ़िया ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, तो काम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। बस ये लास्ट काम है, इसके बाद सीधे टंकी ही साफ करनी है। संधु कर देना टंकी साफ, है नाले पर आधे टंकिया ना। ये लड़का
बस ये वाला काम भी इसी के साथ समाप्त होता है बढ़िया तरीके से। धन्यवाद सर। तो ये है हमारे गांव का मुख्य टंकी, मेन टंकी पानी का। आज दिन भर का काम हमारा यही है, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, नल का ही काम चल रहा है। ये साफ है और टंकी भी फुल है, तो इसी बहाने साफ भी हो जाएगा, नहा भी लेगा कैसे 2 साल बाद आज। अरे इतना भी नहीं करना था, इतनी जल्दी नहीं जान। हाँ हाँ हाथ डाल दे, साफ तो करना ही है, मिल जाली सफाई नल इतनी हूँ। तो सफाई का नल देखना है यहाँ कहीं पे है, और सफाई का नल खोलते ही टंकी साफ करेंगे। साथ में चंदू और केशु का प्लान है अंदर सफाई करने का, तू भी जाएगा, साफ जाएंगे। हाँ मैं गया। 3 के 3 नौजवान तैयार, डिशुम डिशुम कदी हूं ला तो भाई लोगों की चल रही है फुल मस्ती, और दाजू का बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और बाकी यहाँ पर जो साफ वाला नल था ना वो खोल दिया है, तो पानी आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे, देखिए वो। तो टंकी साफ करने के बाद हमने ऊपर से ढक्कन रख के उसको बंद कर दिया है बढ़िया तरीके से। बाकी भाई लोग अब कपड़े लगाने लग गए हैं। चलिए फिलहाल आज का ये काम तो हमारा पूरा हो गया है, बाकी अब देखते हैं क्या क्या काम आगे को होता है। चलो फिर भाई लोग शाम को मिलते हैं। ओके ओके डीजे, डीजे नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है ब्याह होगा क्रिकेट खेलूँ जो, ठीक है ठीक हो गया। चलिए जी हम लोग घर पहुँच चुके हैं, बाकी अब खाना वाना खा लेते हैं। उम्मीद है बढ़िया सा खाना बना होगा, अब वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा खाना बना है। ओहो कैसा हो रहा था खाना, बढ़िया हो रहा है। अब जब खाना बढ़िया हो रहा है तो मैं किस बात का इंतजार कर रहा हूँ, मैं भी खा लेता हूँ फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके जी, तो फिलहाल आज है 2रा दिन और सुबह सुबह का वक्त है, और मैं हूँ अपने ऊपर वाले घर में, और आज सूरज का कुछ स्पेशल काम चलने वाला है। वहाँ कहाँ जा रहा है फिर, अच्छा पाइप निकालने, निकाल फिर निकाल। तो सूरज का काम क्या चल रहा है वो दिखाते हैं आप लोगों को। ओए पहले पानी तो लगा ले। तो सूरज वहाँ पहुँचा हुआ है, तो आज सूरज का काम है वहाँ पे जो पानी की टंकी है ना वो भरने का। वहाँ पे है हमारे ऊपर वाले घर का नल, और सूरज ने वहाँ से पाइप में पानी लगा दिया है। आमा भी वहाँ पर से देखे हैं, बाकी बिट्टू और पापा भी आ रहे हैं। ये है सूरज और चंदू का स्विमिंग पूल, जो कि अभी जिसमें पानी लगभग तले में ही है। तो फिलहाल हमारा काम है जो ये बड़ी बड़ी खेत में ये लकड़ियाँ थी ना वो घर लेके जा रहे हैं। एक विजय लेके जा रहा है, एक मैं, ये छोटा वाला सूरज। चल भाई कौन तो पापा कह रहे मुझे दो दो लेके जा, तो मैं 2 लेके जाता हूँ। एक बिट्टू ले जा रहा, एक सूरज और एक मैं। सूरज बाकी एक लकड़ी और लेने के लिए गया, जल्दी ला। घर पहुँचते ही वो सारी लकड़ियाँ हमने यहाँ पे रख दी हैं। ओके जी, तो अभी उड़ती उड़ती खबर आई थी घर से सूरज की कि टंकी में थोड़ा बहुत पानी भर गया है, तो गले में तौलिया लपेट के और जेब में डाल के हम लोग जाने लग गए हैं नहाने के लिए, और पापा भी आने वाले हैं। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ रूम में ट्राईपॉड लेने के लिए, क्योंकि बिना ट्राईपॉड के तो काम होगा नहीं, क्योंकि हम तो नहाएंगे, रिकॉर्ड तो कैमरा करेगा, तो इसको पकड़ने वाला भी तो चाहिए ना कोई, तो इसलिए ट्राईपॉड लेके जा रहे हैं। लो जी हो चुका ट्राईपॉड कैमरे में फिट। चलो पापा आ रहे हो नहीं है, आओ फिर जल्दी। पापा भी काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं नहाने के लिए आज। आ रहे हो या मैं जाऊं? आओ ना यार फिर जल्दी आओ। ओहो धूप भी तो गजब वाली लग रही है, आंखें बंद हो जा रही हैं इस धूप में। आओ ना। तो बड़ी मुश्किल से मैंने पापा को भी तैयार कर लिया है, और पापा ने भी भाई अपना तौलिया और कच्चा पकड़ लिया हाथ में नहाने के लिए, इतने एक्साइटेड आज। चलो फिर चलो नहाने जा रहे हैं, फिर भी पापा को फुर्सत नहीं है काम बताने से, कर लेंगे बाद में करते हैं, पहले नहाने जाते हैं। चलो चलो नहाने। अरे स्विमिंग पूल है ऊपर सूरज चंदू का, वहाँ ओ खेत में, अरे खेत में स्विमिंग पूल है। यस तो ताऊ जी भी आए हैं आजकल हल्द्वानी से, घर में कह रहा हूँ नहाने चलो, ताऊ जी कह रहे नहीं।
चलो आओ। बाहर आ रहा हूं। अपने जमाने के खोखार तैराक थे ताऊ जी। चलो ना फिर। नहीं तो अभी तो खाना खा के आ रहा हूँ। बाद में नहाओगे? टामा दे रहे हैं, नहीं नहाएंगे। ताऊ जी कह रहे कि स्विमिंग पूल कौन सा ज्यादा बड़ा होगा तुम्हारा, उसमें तो पापा ही फिट नहीं आएंगे, मैं कहाँ आऊंगा, क्योंकि दोनों मोटे मोटे हैं ना तभी। हेलो, ये देखो जी ऐसा स्विमिंग पूल है हमारा, ये तो हीरा फेरी का प्रेस रावल बन रहा है जो स्विमिंग पूल में जाके बाल्टी से नहा रहा है। तो इंतजार की घड़ी होने वाली है खत्म, हम लोग पहुंच गए हैं खेतों में नहाने के लिए, जहाँ पे छोटा सा स्विमिंग पूल है हमारा, और उम्मीद करते हैं और पापा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस स्विमिंग पूल को जो है बड़ा किया जाए। हैं पापा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस स्विमिंग पूल को जो है बड़ा किया जाए। हैं 25 बाई लगभग 5-6 का, सही में कह रहे हो? लगाओ, हमने इतनी जल्दी तो सरकारी काम भी नहीं होते जितनी जल्दी हमारे पापा मान जाते हैं। बस पापा से एक बार हमने रिक्वेस्ट की कि इस स्विमिंग पूल को बड़ा किया जाए, तो पापा ने कहा बनाते हैं इसको। कितना? 21 बाई कितने का? 25 बाई 5 का। हाँ सॉरी, 25 बाई 5 का ना, वो तो काफी बड़ा चाहे तो गलत बात है यार, पापा कह रहे बन जाएगा 4 साल में, तो धोखा हो गया। कोई बात नहीं, उम्मीद है जल्दी बन जाएगा, पूरे एरिया में बनने वाला है शायद। तो ये है हमारे खतरनाक स्विमर जो इस स्विमिंग पूल में नहाएंगे, जिसमें पानी अभी घुटने तक भी नहीं हुआ है। आप कैसे नहाओगे इसमें? हम तो लेट भी जाएंगे, अगर आप लेट भी जाओगे तो पेट तो ऊपर ही रहेगा आपका। अब सुना आप लोगों ने, पिताश्री कह रहे हैं कि मैं स्विमिंग पूल में आके पाइप लगा के नहाऊंगा, ये तो फिर हेरा फेरी वाली बात हो गई। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सूरज बाल्टी से नहा रहा था ना ऐसे ऐसे, अब वैसे पापा नहा रहे स्विमिंग पूल के अंदर जाके पाइप लगा के एकदम बढ़िया करके। और हमें देखने के लिए आई है आमा। आई आमा, हेलो कर रही है। आई तेल ना उन्हें चलता है भैरव शवले। चलिए आमा वहाँ पे बैठे हैं और एक बार हम भी स्विमिंग पूल के अंदर घुस जाते हैं। रेस्ट कर उसके बाद। स्विमिंग पूल में आके भी देखो काम करना पड़ रहा है। काम जरूरी है। पापा कह रहे हाथ खाली नहीं रहने चाहिए किसी के भी, इसलिए जितना मैल है वो सारा आज ही निकाल देना है। मैंने तो नाम भी लिया सूरज को ना, बेचारे को ठंडा हो गया था तो सूरज टंकी के बाहर चले गया। तो ये है हमारा स्विमिंग पूल जो अभी भी नहीं भरा हुआ है, बाकी मौसम पूरा खराब हो गया है देखिए। और हमारा नहाने का काम हो गया है, बाकी अब निकल रहे हैं घर को। सूरज और विजय तो जा चुके हैं ऊपर वाले घर, और पापा है वो पॉली हाउस के पास। बादल बाकी ना, जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना हर इंसान को सीखना चाहिए, क्योंकि ना जिंदगी कब तक है कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए हर छोटी छोटी चीज़ में खुशियाँ ढूंढना जरूरी है। ओके जी, तो घर पहुँचते ही थोड़ा बहुत छत में थे कपड़े तो वो उठाए थे, और इतने में बारिश की बूंदें आ गई है, मतलब बारिश ही आ गई है। ऊपर साइड को देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो अब दिन का खाना पीना खाते हैं, बाकी चलिए आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक ध्यान रखिए अपना, और सुन रहे हो आसमान में बादल कैसे गरज रहे हैं, अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।